दोस्तों ये जो बाइक देख रहे हैं ये बाइक है R15M और ये टॉप मॉडल है और ये 2024 का लेटेस्ट अपडेट वाली बाइक है। तो क्या कुछ अपडेट आया है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो काफी अच्छा होगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस बाइक को साइड से देखिए, आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर फ्रंट में, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं इस बाइक में काफी बड़ा यहाँ पर अपडेट आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले वाइजर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो वाइजर है ये आपका ये वाला कलर में आता था, लेकिन यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं ये ग्लॉस में आ रहा है। और यहाँ पर फ्रंट में देख पा रहे हैं ये मेड ब्लैक में आपको यहाँ पर मिल जाता है ये वाला डिजाइन, और साथ ही यहाँ पर आपको सिल्वर कलर में ये यामा का यहाँ पर डिजाइन मिल जाता है। नीचे ये बाई फंक्शनल LED यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिल जाता है। DRL देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले वाला जो है वही मिलता है, यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं मिलता। इसमें आप मॉडिफाई करा सकते हैं। साइड से देख पा रहे ये वाला वाइजर, यहाँ पर देखिए ये आपको अपडेट मिलता है। ये जो ग्राफिक्स है ये ग्राफिक्स में आपको चेंजेस मिलता है। क्विक शिफ्टर, चूंकि ये टॉप मॉडल है और ये वर्जन 4 है, तो यहाँ पर क्विक शिफ्टर इस बाइक में मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस बाइक में आपको मिल जाएगा दोस्तों। नीचे वाला जो काउल देख पा रहे हैं एल्युमिनियम कलर में ये वाला मिलता है, यामा का यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिलती है। इसका इंजन पूरी तरह से जो पैकेज है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पर मैट फिनिश में जो प्लास्टिक की कलर आती है दोस्तों ये वही है, लेकिन यहाँ पर काफी खुरदरा सा है और काफी खूबसूरत है दोस्तों। ये इसका यहाँ पर चेचिंग मिल जाता है दोस्तों मैट ब्लैक कलर में। नीचे देख पा रहे हैं ये इसका जो है ब्रेक मिल जाता है, और ये वाला जो है फुटरेस्ट राइडर वाला देख पा रहे हैं ये आपको एल्युमिनियम का एडजस्टेबल मिल जाता है जैसा पहले था। और ये वाला यहाँ पर पिलियन वाला देखिए ये भी आपको एडजस्टेबल मिलता है, काफी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। और ये देखिए एग्जॉस्ट में यहाँ आपको चेंजेस मिलता होगा, यहाँ पर आपको अपडेट मिलता है। ये वाला जो चीज है दोस्तों ये आपको फुल्ली फाइबर मिलता है और ये ग्रे कलर में मिलता है, और इसका जो सरफेस है ये पूरा खुरदरा सा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपको ये भी फाइबर मिलता है ग्रे कलर में। नीचे जो है इसका मैट ब्लैक कलर में ये एग्जॉस्ट मिलता है। थोड़ा सा इस बाइक को हम अगर रियर से देखते हैं, देखिए टेल लैंप है ये LED में है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं मिलता है। नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर एक लाइट मिल जाता है, नंबर प्लेट को आप दिखा सकते हैं। और ये वाला जो ब्लिंकर है ये आपको LED में मिलता है, नॉन फ्लेक्सिबल। थोड़ा सा जला के दिखाते हैं इसको आपको। 1000 में यहाँ पर ब्लिंकर मिल जाता है, काफी खूबसूरत है। साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, टायर हेयर काफी बड़ा सा मिल जाता है दोस्तों इस बाइक में। थोड़ा सा इस बाइक को इस साइड से देखते हैं, इस प्रकार से लगती है। सेम चीज आपको इधर भी मिल जाता है, पिलियन वाला ये राइडर वाला। इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स आती है, ये वाला जो है क्विक शिफ्टर है, ये इसको संकेत देता है और ये फटाक से गियर को शिफ्ट कर देता है। इस बाइक में क्विक शिफ्टर आपको मिल जाता है दोस्तों। डुअल सीट इस बाइक में आपको मिल जाता है, यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है। VVA टेक्नोलॉजी वाली इस बाइक आती है, देख पा रहे ब्लू कलर के यहाँ पर ग्राफिक्स मिलता है। ऊपर में यहाँ पर जो ग्राफिक्स देख पा रहे हैं ये भी ग्राफिक्स में आपको चेंजेस मिल जाता है दोस्तों। और ये जो है आपका ब्लैक कलर में मिल जाता है। E20 वाली बाइक हम आपको दिखा रहे, देखिए E20 इस बाइक में सपोर्ट मिल जाता है। देखिए कलरफुल इस बाइक का मीटर कंसोल आपको मिल जाता है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है दोस्तों। वर्जन 4 2024 की लेटेस्ट मॉडल आपको दिखा रहा है। ये न्यूट्रल लाइट आपको मिल जाता है, ये वाला जो देख पा रहे हैं क्विक शिफ्टर, यहाँ पर आपको लोगो मिल जाता है। देखिए TCA ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है, टाइम भी मिल जाती है दोस्तों। रियल टाइम माइलेज इस बाइक में आपको मिल जाता है, फ्यूल गेज भी मिल जाता है, और भी आपको बहुत सारा फंक्शन जो जरूरी चीज है सारा चीज आपको मिल जाता है इस बाइक में। गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ABS का लाइट, साइड टायर इंडिकेटर, और भी बहुत सारा फंक्शन इस बाइक में आपको मिल जाता है। फिलहाल इस वीडियो में उतना बताना संभव नहीं है, किसी और वीडियो में मीटर कंसोल के बारे में हम बता देंगे। ये इसका चाबी है, देख पा रहे हैं ये स्टैंडर्ड चाबी यामा का आपको 2 मिल जाता है इस बाइक में। और स्विचेस यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका पासिंग स्विच मिल जाता है, ये मोड का मीटर वाला मिल जाता है, ये आपका देखिए काफी फ्री आपको मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर का ये इसका हॉर्न है, हॉर्न जबरदस्त है, क्योंकि डुअल हॉर्न इस बाइक में मिल जाता है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इंजन स्टार्ट स्विच, और ये वाला जो है आपका 1000 का फीचर इस बाइक में मिल जाता है, 1000 का बटन इस बाइक में मिल जाता है दोस्तों। सामने का जो वाइजर है आपको क्लियर मिलता है ग्लॉस में, देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा ब्लैक नहीं, बिल्कुल व्हाइट एकदम प्योर क्लियर आपको इस बाइक में मिल जाता है। यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। ये वजह मिरर जो है आपको देख पा रहे हैं पहले वाला, ये सबसे बड़ा अपडेट आपको यहाँ पर फ्रंट में मिल जाता है। DRL वगैरह सेम आपको मिल जाता है। मडगार्ड देख पा रहे हैं ब्लैक में, ग्लॉसी में मिल जाता है। साइड में अगर हम बात करते हैं तो इस बाइक में UHD सस्पेंशन आपको मिल जाता है, 282 mm का इस बाइक में डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है दोस्तों। और इस बाइक की जो फ्रंट टायर है वो आपका ट्यूबलेस मिल जाता है, 17 इंच का अवेलेबल आ जाता है इस बाइक में। 180/17 का ट्यूबलेस टायर इस बाइक में फ्रंट में आपको मिल जाता है, 282 mm का डिस्क ब्रेक इस बाइक में आपको मिल जाती है दोस्तों। साइड से देखते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस बाइक में सिंगल स्टैंड मिल जाता है, जो कि आप सभी को पता है। और यहाँ पर चेचिंग देख पा रहे हैं ये आपको फुल्ली एल्युमिनियम में मिल जाता है, और चेनसेट आपको खुला मिल जाता है, साड़ी गार्ड थोड़ा सा मिल जाता है, टायर अगर काफी बड़ा सा मिल जाता है। रियर वाला जो टायर है दोस्तों काफी मोटा सा 140/70 R17 का ट्यूबलेस टायर इस बाइक में आपको मिल जाता है दोस्तों, जो कि रेडियल टायर है और ये ट्यूबलेस है। 220 mm का पीछे में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है दोस्तों। और ये जो बाइक है डुअल चैनल ABS के साथ आती है दोस्तों। 1990 mm का लेंथ इस बाइक में मिल जाता है, 725 mm की विथ आपको मिल जाती है, 1335 mm का इस बाइक की हाइट आपको मिल जाती है, और 815 mm का इस बाइक
में आपको सीट हाइट मिल जाता है दोस्तों। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का आपको मिल जाता है और इस बाइक की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आ जाती है दोस्तों वो आपको 11 लीटर की आ जाती है। और ये जो बाइक है ये टॉप मॉडल वर्जन 4 है दोस्तों और ये 2024 की है। ये बाइक 142 किलोग्राम की आ जाती है दोस्तों। इस बाइक में रेयर में आपको लिंक टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है और फ्रंट में आपको UHD सस्पेंशन आपको मिल जाता है। काफी मोटा सा एक बाइक को थोड़ा सा हम स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए साउंड सुनिए साउंड। अब थोड़ा सा इस बाइक में इंजन साउंड आपको सुनाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको इंजन साउंड नहीं समझ में आएगा। देखिए इंजन इस बाइक में काफी पावरफुल मिल जाता है दोस्तों। 155 सीसी का लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक SOSC वाला 4 वेल वाला FIVBA टेक्नोलॉजी वाला इस बाइक में आपको इंजन मिल जाता है दोस्तों, जिसका मैक्स पावर है दोस्तों 18.4 PS का पावर जनरेट करता है 10,000 RPM पर और 14.2 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है दोस्तों 7500 RPM पर। काफी जबरदस्त है दोस्तों। और इस बाइक की जो टॉप स्पीड है दोस्तों वो आपको 150 की मिल जाएगी दोस्तों। माइलेज की बात करें दोस्तों तो इस बाइक से आपको जो है 50 का माइलेज मिल सकता है अगर आप इस बाइक को ठीक ठाक चलाएंगे तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बाइक को आप जो है माइलेज के दायरे में चलाएंगे। बाइक लेंगे तो आप बहुत ही जबरदस्त इसको रेपेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अगर बहुत ज्यादा रफली चलाएंगे तो आपको 40-45 का माइलेज बहुत ही आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। काफी खूबसूरत कलर है, देख पा रहे हैं काफी जबरदस्त यहाँ पर बदलाव किया है R15M में यामा ने। ये बाइक की जो ऑन रोड प्राइस है दोस्तों ये आपका 236,851 रुपया माइनस करके है, लेस करके है। और ये जो वीडियो हमारा शूट हो रहा है ये हमारे दुमका यामा शोरूम में शूट हो रहा है, ब्लू स्क्वायर शोरूम में शूट हो रहा है जो की है गिलानपाड़ा में MRF टायर शोरूम के बगल में ये वाला शोरूम है। तो यहाँ पर आकर के आप इस बाइक को बुक कर सकते हैं, ये बाइक यहाँ पर अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो हमारा फेसबुक पे देख रहे हो दोस्तों पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।